हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज हम इस वीडियो में जो है फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में DRRMLIMS अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें पोस्ट की संख्या 17 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की संख्या फार्मासिस्ट की 17 है। अनरिजर्व 9 सीट, SC 3 सीट, OBC 4 सीट, EWS के लिए 1 सीट है, लेवल 5। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी जो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये है। मूल वेतन न्यूनतम वेतन मान स्तर पर स्वीकार 29,200 रुपये प्लस अन्य भत्ते जो स्वीकार हैं। और अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस के लिए, तो क्वालिफिकेशन में आपको इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए एक बड़े अस्पताल या संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज एंड एज रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको हम बता दें कि न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं, जो कि यह फॉर्म फिल करते समय इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। यह कैसा होना चाहिए? सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से SC SC OBC EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र, UP की कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट CRT जहां लागू हो की तारीख से 6 महीने पहले जारी किया जाए। EWS उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक उम्मीदवार जो वैध EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे UR उम्मीदवार माना जाएगा। अब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं अर्थात आरक्षण की, तो आरक्षण इसमें किसको मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आरक्षण नियम लागू होंगे जैसा कि समय समय पर राज्य UP सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। UPP पब्लिक सर्विसेस SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 और UP पब्लिक सर्विसेज आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिनियम 2020, ये छूट केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार होगी जो केवल उत्तर प्रदेश के अधिवास हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में अर्थात कितना फीस पेमेंट करना होगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1180 रुपये और SC ST के लिए 708 रुपये और PWD वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और जो कि फीस पेमेंट का जो माध्यम है ये ऑनलाइन आपको करना होगा। अब हम बात करते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म अर्थात फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना है। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में फोटो सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और फोर्थ स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना होगा, और 5th स्टेप में आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। अब हम इसके CRT टेस्ट के बारे में बात करेंगे अर्थात जो हमारा एग्जाम होगा उसका सिलेबस में क्या क्या आएगा और कितने मार्क का होगा, समय कितना रहेगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो हमारा एग्जाम होगा वो टोटल 100 मार्क का होगा और टाइम जो है 2 घंटे का होगा, और इसके सिलेबस में जो है 60 मार्क आपके सब्जेक्ट से आएंगे अर्थात जैसे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है तो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से 60 नंबर आएंगे, और 10 मार्क जो है आपको जनरल इंग्लिश से आएंगे, और 10 मार्क जो है जनरल नॉलेज होगा, और 10 मार्क जो है रीजनिंग से, और 10 मार्क मैथमेटिकल एप्लीट्यूड से होगा। अब हम इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा अर्थात आपका यदि क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन के 1 नंबर, और यदि आपका आंसर गलत जाता है तो आपके 1/4 अर्थात 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे प्राप्त नंबर में से। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।